बाद च 9 साल का मुंडा से तो चौंक चो गैप हो गया, बाद च थोड़े हफ्ते बाद लाश मिली है। 8-9 साल हो गए तो ट्रू चलाने उदों तो लैके हुण तक कुछ नहीं दिता गया सरकार वल्लों? हाँ जी, 5 पैसे भी नहीं दिते सानूं तां। बाहरों अंदरों कोई कोई तेज वे दिखा लईदा, नहीं तां ना सी। मतलब सारे इदां दे ही आ, ना ना रोटी देखो फैमिली विच भी कोई इन्ना नहीं हैगा कि जेड़ा इन्हां दी मदद कर सके, क्योंकि अपनी अपनी बड़ी मुश्किल नाल खांदे। इन्हां दी फैमिली दे विच जां कोई रिलेटिव इन्हां दी कोई मतलब हेल्प नहीं करदा? नहीं, कोई नहीं करदा। सिटी होम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों अज असी तुहानूं एक ऐसे परिवार दे नाल मिलाउण जा रहे हैं कि जिन्हां दी हालात देख के तुहाडे भी रूह कंडे खड़े हो जाणगे कि उन्हां दे घर दे विच कोई मतलब इंसान इदां दा नहीं जिन्ना कोई इनकम साधन होवे, और ना ही कोई इदां दा कोई दानी सज्जना कि जिहड़ा उन्होंने हजे तक किसी ने उन्हां दी निजी हालातों देखा होवे। सिर्फ और सिर्फ उन्हां दा एक जिहड़े एक काफ़ी समय पहला एक बेटे की डैथ भी हो गई सी, उस तो बाद इन्ना कु उन्हां दे दिल दे उत्ते असर पिया कि वह उठन जोगे नहीं रहे माँ बाप। आओ उन्हां दे नाल आपां होर भी जुड़ियां लाइफ दे नाल गल्लां पता करते हैं और उन्हां दे निजी हालात बारे जानते हैं कि उन्हां दा इस टाइम गुजारा किदां हो रहा वा और किवें वह अपना जिंदगी दे मतलब वो दुखी इले पल जिहड़े चल रहे ने वह किवें उस टाइम मैनेज कर रहे हैं। हाँ जी अंकल, की नाम अपना? भुपिंदर कुमार। हाँ जी अंकल, ये मतलब जी इदा की दुर्दशा हुई हुआ ये किन्ने टाइम तो शुरू तो ही है, मतलब कोई इदा का कोई हादसा हुआ? बहुत वधिया काम करता सी फ्लैट का, उस तो बाद चाह का काम कर लिया, रीढ़ की हड्डी खराब हो गई सी, उस तो बाद चाह की दुकान खोली है, उत्ते बाद च 9 साल का मुंडा सी तो चौंक चो गैप हो गया, बाद च थोड़े हफ्ते बाद लाश मिली है। बस ओड़े बोटी का ही है एक जरा बेचारी तुड़ फिर नहीं खाधी, ओड़े दुख ते रोटी पानी फिर थानू मतलब वांडी कौन ने? साडे विकास अन्न जी के मम्मी डैडी देंदे है, जिन्नी देर है वह कहते हैं असं देवे। रिश्तेदार घर के पिछों होंगे ने, मतलब कोई थोड़ी बेटी भी है जो वालों किसी वालों कोई हैल्प की गई हो? अपने हम हैल्प साहब अपने अपने घर उदा दे मजबूर है, जिद कोई किसी की मदद की करेगा, वो अपने घर उदा भरा भरानियाँ वह भी अपने सवेरे कमादियाँ शाम को खाने जोगे बस। उन्होंने वालों कभी नहीं एक चीज़ की जाती कि जो साढ़े घर कोई लैके आया खाने वास्ते जो तुम भी खा लो जो तुम भी आह लै लो? ज़्यादा दुखी हो रही बस और तुरन फिटन जोगी आती है। दवाइयाँ की हेल्प भी नहीं कभी किसी ने की, भी मतलब जे तुम नहीं ठीक है कि ना असं कभी किसी ने कहा भी नहीं कहने। जिस चाह की इनकम कि हो जाती थोड़ा? 3-4 किलो दुध लगता बस, थानू पता ही है 3-4 किलो लॉकडाउन तो बाद दुध लक टुट गया, पहला तो फिर रोटी पानी जो होजरियाँ चल गई सारिया शहरों बहर, हूँ तो कम औखा है। मतलब जो गल की जाए रोज़ की सेल की किन्नी हो जाती है? उ 250 बचता सारी दिहाड़ी के। जो ट्यूबवैल तुम चलाने किन्ने साल तो चलाते थे? 2012 तो चला रहे हैं जी, 4 महीने तो। जी जो कोई ट्यूबवैल तो मतलब कोई ऑन ऑफ भी करता वा वो एक सैलरी दी जाती है, तो सैलरी क्यों नहीं मिलती? वो पहला कहते देवे हूँ कहते उम्र 60 साल की हो गई हूँ मिलनी नहीं। जो तो 60 साल की तो हूँ हुई है ना, पहला जो 8-9 साल हो गए टूर चलाने उदों तो लैके हूँ तक कुछ नहीं दिता गया सरकार वालों? ना जी, 5 पैसे भी नहीं दते, कुछ भी नहीं दिता। कंप्लेट नहीं की? एक दो बार कौंसलर कहा आधार कार्ड दे के आए हैं, वो कहते तेरा हल करा हाले तक तो कोई हो नहीं। माता जी की नाम थोड़ा? अरना रानी। किन्ने टाइम तो मतलब थोड़े ना इतना जो पैरालाइज होया किन्ने टाइम हो गया थोनू? 15 साल
तंगी बहुत बहुत तंगी है सानू तो बाहरों अंदरों कोई कोई दे दे दिखा लीदा नहीं तो ना से मतलब तुसी कोई मतलब घर दे विच कोई इदां दा जी है नहीं गा जिन्ने जेड़ा थोड़ी हेल्प कर सके घर दे बेचारे अपना कि जरा मजा करदे अपना अपना सिलसिला मसले फिरदे वो भी चाह दा ही काम करदे जी तो अलावा भी कई चीजां नूं दिल करदा हुंदा बंदे दा कुछ खाण नूं दवाई वगैरह दा खर्चा दवाई एक मुंडा वा बाहर रहिंदा ते ओ भेज देंदा कदी साल बाद ते ओ मैं सहजर मारने वर्त वर्त लेने जानी को ही थोड़ी एक हेल्प कर दें किन्ने के पेज दें या मतलब साल दे विच पैसे तो न साल च 5000 पेज दिता कदी 7000 पेज दिता बस इन्ना को पेज दे मैं उन्ना ना ये बिजग कर दी अपना गुजारा अगले कहते चल दे देने रोटी दे दें मैं कहनी साडी कोई मदद करो साडी मदद करो कोई कोई दवाई दारू आ पट्टी पुट्टी करवानी है कई कुछ करवाना बहुत बाबा हाँ दवाई तो किन्ना का खर्चा जंदा थोड़ा महीने का वो भेज देता मुंडा तो असी ला लेना तो जो दिल करे भेज देता जो दिल करे नहीं भेज देता हाँ जी मैडम की नाम तुहाडा हाँ जी मेरा नाम मंजू है हाँ जी इन्हां दी हालत हुए इदा हुए नूं 15 साल तो हो चुके ने बाकी घर दे हालात इदा दे ने कि भी मदद देनी चाहीदी है असीं भी चार फैमिलियां रहिंदियां सारे अपने मुश्किल नाल अपनी अपनी रोटी कमांदे हैं भी कोई इन्हां दी मदद नहीं असीं भी कर सकदे हैगे फिर भी चाहीदा इन्हां नूं मदद मिलनी चाहीदी हसबैंड की करदे साडे हसबैंड भी चाह दा काम ही है वह भी इस तरह ही चाह दा काम करदे है मदद कर सके क्योंकि अपनी अपनी बड़ी मुश्किल ना खांदे है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਹ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਸਨ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਦੇਣੀਆਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बाहर खेडन गया पता ही नहीं लगा कौन लै गया कौन नहीं लै गया मंदिर इलाचीगिर मंदिर चो लाश मिली 8 दिन किन्ने टाइम दी गल है किन्ने 15 साल हो गए 1997 विच होया सी ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2-3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਦਕਿ 8-9 ਸਾਲ
ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਭਰਾਂਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਆਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾ ਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।